इन वीसीएन के सभी दर्शकों को ईद उल अधा की मुबारकबाद। बकरीद यानी ईद उल अधा, जो तारीख के मुताबिक ईद उल फितर के 70 दिनों के बाद आती है। बकरीद त्याग वाली ईद है। इस दिन जानवर की कुर्बानी देना एक प्रकार की प्रतीकात्मक कुर्बानी होती है। लेकिन कोरोना ने देश दुनिया को बदहाल कर दिया है। नागपुर शहर भी इस महामारी का गवाह है। इस बीमारी से आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जरूर जा रहे हैं। इस वजह से प्रशासन ने नागरिकों से घर में ही रहकर त्यौहार मनाने की अपील की है। इसी क्रम में बकरी ईद भी है। हर साल की तरह मुस्लिम समुदाय बकरी ईद इस बार जोर शोर से नहीं मना सकेगा। आइए देखते हैं बकरी ईद पर इन विषय की एक खास रिपोर्ट। इस्लाम में प्रतीकात्मक कुर्बानी की कोई कल्पना ही नहीं है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने आप सबो से पूछा कि यह कुर्बानी क्या है। आप सबों ने फरमाया, यह तुम्हारे पिता हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसल्लम की सुन्नत है। कुर्बानी की यह ऐतिहासिक घटना आज से लगभग 5,500 साल पहले अरब के रेगिस्तान इलाके मक्का स्थित खानाए काबा के पास मीना में पेश आई थी। जीवन पर्यंत मुस्लिम समुदाय के दिल को छू लेने वाली इस घटना इमाम को ताजा रखने के साथ शिक्षाप्रद और यादगार बनी रहेगी। अल्लाह के लिए की जाने वाली बहुत सी इबादतों में कुर्बानी का बहुत अधिक महत्व है। इसका कारण यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे महबूब पैगंबर हैं। अल्लाह ने स्वयं उन्हें खलील अर्थात दोस्त की उपाधि से नवाजा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की इस घटना में एक ऐसे अमल का उदाहरण मिलता है जिसमें उनका अल्लाह के प्रति असीमित और इंतहा दर्जे का प्रेम भाव दिखाई देता है। वो कुछ इस प्रकार से है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इकलौते और बहुत चहेते मोहब्बती बेटे और बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थे। अल्लाह इस मोहब्बत में यह देखना और लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने बेटे के प्रति अधिक है या अल्लाह के प्रति अधिक है। विदित हो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियां पेश की थी, लेकिन अल्लाह को इन कुर्बानियों के बजाय अपनी मोहब्बत में विशेष कुर्बानी की चाहत थी। पवित्र कुरान की सूरह सफ्फात की पंक्ति क्रमांक 101 से 107 में कुर्बानी की वास्तविकता को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि वो लड़का यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम जब उसके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंच गया तो एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, हे मेरे प्यारे बेटे, मैं स्वप्न में देखता हूँ कि तुझे कुर्बान यानी कि ज़बह कर रहा हूँ, अब तू बता तेरा ख्याल क्या है। उसने कहा, हे मेरे अब्बाजान, जो कुछ आपको आदेश दिया जा रहा है आप उसे कर डालिए, इंशाल्लाह आप मुझे धैर्यवान पाएंगे। अंततः जब उन दोनों ने अपने आप को अल्लाह के आगे समर्पित कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को कनपटी के बल लिटा दिया तो उस समय क्या दृश्य होगा जरा आप सोचिए। और हमने उसे आवाज दी कि ए इब्राहिम, तूने स्वप्न को सच कर दिखाया है, निसंदेह हम नेकी करने वालों को ऐसा ही इनाम देते हैं। वास्तव में यह एक खुली हुई परीक्षा थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी के बदले में उस बच्चे को छिड़ा लिया और उसकी प्रशंसा हमेशा के लिए आने वाली नस्लों में जोड़ दी। सलाम है इब्राहिम पर। बड़ी कुर्बानी से तात्पर्य एक मेंढा नामक पशु से है जो उस समय अल्लाह के फरिश्ते ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया ताकि बेटे के बदले उसे कुर्बान कर दे। उसे बड़ी कुर्बानी के शब्दों से इसलिए सुशोभित किया गया कि वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वफादार धैर्यवान और जानेसार बेटे का बदला था। इसलिए इब्राहिम की इस सुन्नत को सुन्नते जारिया करार देते हुए आने वाली नस्लों में हमेशा के लिए उसे जारी कर दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार यह घटना मक्का के पास मीना की पहाड़ी पर पेश आई थी जहां हाजी साहिबान 10 जिल्दीजा को कुर्बानियां पेश करते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में जिस पशु को कुर्बान किया था उसके सिंह खानाए काबा में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी के समय तक सुरक्षित थे। कुर्बानी की इस घटना को मानसी के हज में विशेष स्थान दिया जाता है। अरबी भाषा में अजहा, इसका अर्थ है जायज पशु की कुर्बानी। पशुपालकों को कुर्बानी के जानवर बेचने से बहुत से लाभ मिलते हैं। पशु व्यवसाय से
ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को अच्छी खासी धनराशि भी प्राप्त होती है। इससे पशुपालन को प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलता है। विशेषकर कुर्बानी के पशु विक्रेताओं को बहुत सी आर्थिक समस्याओं के लिए एक बड़ी राहत मिलती है। इस अव्यवस्थित और प्राकृतिक प्रबंधन से अर्थात प्रेषण के सिद्धांतों के अनुसार देश के कोने कोने और वहां रहने वाले पशुपालकों तक धन दौलत की पहुंच होती है और पूंजीपतियों के पास धन रुकावट का माध्यम नहीं बन पाता। इसके अलावा हमें कुर्बानी के पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। अल्लाह की ओर से एकाएक ही तरह की कुर्बानी की मांग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नहीं की गई थी और ना ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस अजीम कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे, बल्कि इनकी पूरी जिंदगी कुर्बानियों के प्रति समर्पित रही है और यादगार भी।